रघुवंशी, टाइम न्यूज जिला छिंदवाड़ा। आज चांद थाने में शांति सभा की बैठक ली गई। बकरीद ईद उल फितर जो त्यौहार आता है बकरीद, उस विषय में आज चांद थाने में जो शांति सभा की बैठक ली गई, जिसमें महत्वपूर्ण अहम निर्णय लिए गए, जिसमें जो मस्जिद में 5 लोगों को नमाज अदा करने के लिए कहा गया, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जो मैक्सिमम 50% अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है पूरी तरह से लॉकडाउन हट गया, जिससे लोग जो जनता है जागरूक नहीं हो पा रही है। तो मीटिंग लेना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, क्योंकि मस्जिदों में जो है भीड़ अत्यधिक ना करें। चांद थाना प्रभारी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से शांति सभा की बैठक को संपन्न किया। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज जिला छिंदवाड़ा। चांद नगर के चांद थाने में आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर और तत्कालीन त्योहार बकरीद को लेकर शांति सभा की बैठक रखी गई, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग और व्यापारी गण उपस्थित रहे, जिसमें मस्जिद में 5 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित न होने की हिदायत दी गई, समझाइश दी। कोरोना प्रोटोकॉल का किया जाए पूरा पालन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कभी रखा जाए ध्यान, सुरक्षा ही सावधानी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने चांद थाना प्रभारी दीपक डेहरिया जी से बात की, तो उनका क्या कहना था? सर, आज चांद थाने में शांति सभा की जो बैठक ली गई, किस उद्देश्य को लेकर ली गई थी? आगामी ईद उल जोहा त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में आज थाना चांद परिसर में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार महोदय, CMO और मैं, बाकी सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आगामी जो त्यौहार है उसको मनाने हेतु कोविड के जो दिशा निर्देश है उनका पालन करने की हिदायत दी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।